अश्क आंखों में जगमगाता है जब भी मजदूर कुछ कमाता है, दिल में उठता है जब आवाम का दर्द, अपनी काबीना वो बढ़ाता है, बुद्धि नहीं सुलझ पा रही इसीलिए तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक। क्या हुआ, आप सादे होते जा रहे हैं बिल्कुल। आप लोगों ने जो इतने जबरदस्त रंग पहने हुए, इसलिए मैंने कहा मैं सादा हो जाऊं। आपका जो सारा स्टाइल है ना वो खराब कर रहा है। पैंट कोट पाके के ब्याह पे फिर रहे, मैं कहा किधर ना पैसे लुटन आया। इन्हें शर्ट नु किन्नी जेबां लाइया, मैं कहा की होया, कहिंदा इधर खुले पाई दे इधर बजे पाई दे। एक दिन सिर पाड़ गया फंक्शन ते, किसी ने ठीपियां दी बुक मारती। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं जनाब डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन थी पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा सिमाबिया ताहिर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और कलरफुल सूट पहना है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। सिमाबिया जी, मैं तो आपको सिमा भी कहूंगा। रंग खिलते हैं जो ढोल बजते हैं, फूल खिलते हैं जो संग चलते हैं, चेहरे खिले हैं कि जनाब आए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में भट्टी साहब और मैडम सीमाब आए हैं। मैं पी जावा सारा पानी। अच्छा जी। रोंदी अख दा खारा पानी, ते थर दे लोग प्यासे मर गए, थर दे लोग प्यासे मर गए, मंग दे बस सरदारा पानी। जब उसे देखता हूँ तो आंखों में आ जाता सकता है। रूहते हलाल कमेटी को चांद रात 11 बजे भी दिख सकता है। अगर इमरान खान साहब स्टैंड पे साइन कर दें कैसर, तो ये 6,000 का गंजा करोड़ों में बिक सकता है। डॉक्टर साहब, ये आखिरी वाले शेर को आपने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल ठीक। इसकी वजह साइन थी या गंजा था? चलो हमारे दोस्त का गंज तो महंगा हो गया। साइना जो की जगह ताडे कोल भी आ थोड़ी जी। आज जुल्फकार साहब इतना तैयार होकर आए और देखो फिर भी ये क्या बात हुई। जिगर दे डॉक्टर लग रहे ने। बिल्कुल ठीक ठाक जी। हुकूमत का मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। अच्छा जी, ऐसा ही सोचा था कि ऐसी होगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बढ़िया मजा आ रहा है। क्या इसमें है? अच्छा, बेहतरीन चल रहा है। 22 करोड़ भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं जी? महंगाई तो आपको पता है, जो कर गए थे हम तो उसको समेट रहे हैं। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ डॉक्टर साहब, ये जो कर गए थे इनको वापस दे के पकड़ो भाई, क्या हमारे तुमने गले डाल दिए, मुसीबत लो खुद ही सही करके दो। ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको वापस वापस भी नहीं देनी। मतलब एक तरफ तो गिला करना। देखिए ना, अमानत जो अमानतदारों को दी जाती है ना। अच्छा नहीं, मगर यहाँ तो बहुत महंगाई की हो रही है, हुकूमत की नहीं। साबका हुकूमत नहीं महंगाई की है। हाँ, मगर मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों आप लोग अपने सारे इतना कुछ ले रहे हैं? ये आप जरा सोचें, जब हम 2013 में आए थे तो दहशत गर्दी भी थी, लोड शेडिंग भी थी, एनर्जी क्राइसिस भी था। हम 2018 में गए तो हमने उस दोनों चीज़ों पर बिल्कुल उस पर कंट्रोल किया और महंगाई पर भी कंट्रोल किया। जब ये 2022 में गए तो आप मुझे बताएं कि ये दोनों चीज़ें ये लेके आए या हम लेके आए? देखिए, हम तो इनका इनके जो साइन थे, जो इनका IMF का मुआहदा था, जो इनके कमिटमेंट थी इंटरनेशनल, वही हम निभा रहे हैं। और हमें बताएं कि हमने कौन सी ऐसी इसमें गलती की है कि जिससे मईशत। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी साइड पे हूँ कि भैया इन्होंने मुआहदा किया था, इनको भुगतने दें, आप इनको क्यों नहीं भुगतने दें? मेरी बात सुनो, हमने कोई उनको हाथों से उठा के थोड़ा फेंका है। देखें, ये आपका अदम एतमाद हुई है जो कि बिल्कुल आईनी और कानूनी अदम एतमाद। वो आईनी वाला एक और भी, वो इलेक्शन का भी चक्कर था, वो आईनी
वो नहीं है। कौन सा? वो जो इलेक्शन कराना पंजाब केपी का। तो देखें इलेक्शन हमने थोड़े कराने, इलेक्शन कमीशन ने करवाने। ये देखें वो आपको बता रहे हैं कि अभी उनके ये हमारी ड्यूटी तो नहीं, अगर हम करवाएंगे तो ये कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि अब आप बताएं। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बात ये है कि खान साहब का तो दौर वो दौर था कि जिसमें लोड शेडिंग थी ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही माशाल्लाह हमारी जो है भाई की हुकूमत वापस आई तो लोड शेडिंग भी आ गई, महंगाई जिसको इन्होंने जो है वो उस वक्त इन्होंने कहा था हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, इमरान खान को निकालो साइड पे करो, तो वो ट्रिपल टाइम ज़्यादा हो गई है। आज जिनके मुंह में एक नवाला जाता था तो वो बेचारे आज उस नवाले को भी तरस रहे हैं। तो इतना इन्होंने अच्छा माशाल्लाह किरदार अदा किया है इस गवर्नमेंट को लाकर। और दूसरी बात यह कि जो ये आइन की बात कर रहे हैं, आइन जो है वो बड़ा क्लियर है इस मामले में। 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शंस कराने, क्यों मरियम बीबी और राणा सनाउल्ला साहब चीखते थे, दोनों कहते थे जी कि आप लोग जो है वो तहलील करें दोनों हुकूमतें, देखें हम किस तरह से जो है फॉरेन इलेक्शंस कराते हैं। आज क्या हो गया, आज क्यों भाग रहे हैं? परसों जो राणा सनाउल्ला साहब का बयान है वो इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि बेचारे घबरा गए हैं, बेचारे हार मान चुके हैं, सिर्फ जो है अब जो है वो जिसे कहते हैं ना आखिरी धक्के की जरूरत है इनको, और बस आखिरी धक्का बहुत जल्द इनको लगने वाला है। भाई धक्के छोड़ के तो ये तो आग भी लगा रहे हैं, सोटे भी निकाल लिए इन्होंने, इन्होंने जलाओ गिराओ भी शुरू किया हुआ है, फोर्सेस पे भी इनके हमले हैं। ये तो आप पूरी अपनी दहशतगर्दी, जो सियासी दहशतगर्दी है उसके मुताबिक ये चल रहे हैं, और इसको ये बड़ी अपनी बड़ाई समझते हैं कि हम पुलिस वालों को जख्मी कर दें, हम जो है वो गवर्नमेंट की गाड़ियां जला दें, हम ये सारे काम करें। तो ये कौन से आइन और किस कानून में लिखा है ये सिर्फ मुझे बता दें। एक ही आइन इनको 90 डेज का याद आता है। इनको किसी ने कहा था कि आप असम्बलियाँ तोड़ें? इनको कहा था कि ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ें? इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो इन्होंने असम्बलियों को तोड़ा? अब ये कल देखें सेनेट में आए, कल सेनेट में आए तो आपने फिर भी आना था इधर, तो फिर आप इस निज़ाम पर या तो इतमाद करें या इस निज़ाम से निकलें। ये तो बताया ना कि आप सेनेट से क्यों नहीं निकल रहे? देखिए बात यह है, आप जो ये कह रहे हैं कि अवाम जो है वो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं पुलिस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, पुलिस को क्या हमने वहाँ पे दावत दी है कि तुम जमान पाक आओ या तुम इमरान खान के घर पे आके हमले करो, और जाके जाते हुए इमरान खान की और तो और वासिफ भाई आप ये सोचिए इमरान खान साहब के कपड़े लेके चले गए ये लोग, कपड़े लेके कपड़े लेके चले गए खान के, वासिफ भाई और सुनिए बोतलों को उठा उठा के दिखा रहे ना कि जी ये देखें ये वो चीज है, ठीक है ये अल्कोहल है, ओके उसको वहीं पे ही खड़े हो गए वो पुलिस वाले भी और सिविल ड्रेस वाले भी खुद भी पी रहे हैं, वो चेक कर रहे थे ना कि है भी या नहीं, मतलब देखे ना है कि एप्पल जूस होता है बंदा गलती से, क्या पता कहीं वो ना हो। तो जहां पे इन लोगों के ये हालात हों और जहां पे आप अवाम को खुद प्रोवोक करें कि अवाम जो है वो रिटालिएट करे, आपको अगर इलेक्शंस का खौफ नहीं है, आपको इमरान खान का खौफ नहीं है तो आप इलेक्शंस करवाएं, आए मैदान में आके मुकाबला करें, आप जीते तो ले लेना हुकूमत, हमने कोई आपको बांध के तो नहीं रखा हुआ या हमने कुर्सी के साथ जो कोई तारे तो नहीं लपेट के रखी हुई आप लोगों की तरह, ठीक है। मरियम बीबी जो चीखती रही हैं इतना अरसा और राणा सनाउल्ला साहब जो चीखते रहे इनकी वीडियोज मौजूद हैं, सब रिकॉर्ड पे है, ठीक है, कि ये कहते रहे कि भाई आप असेंबलियाँ जो है तहलील करें हम फौरन इलेक्शंस करवाएंगे, तो कराएं, आए ना मैदान में, क्यों नहीं आ रहे? राणा सनाउल्ला साहब क्यों इतने खौफजदा हुए हैं? या वो जो इनकी एक और हैं मरियम औरंगजेब, वो जिस तरह के बयानात देती हैं, तो अब क्यों पीछे हट रहे? मैदान में आए, मुकाबला करें और देखें कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो बात ये है कि हम तो आईन की और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, इमरान खान जब जाता है कहीं तो धड़ल्ले से जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान सीना ठोक के जाता है, सर उठा के जाता है। इमरान खान ने ना कोई करप्शन की हुई है, ना इमरान खान पे आप आज दिन तक एक धेले की कोई चीज साबित कर सके। जो आपने तोशाखाना मचाया हुआ था, तो उस तोशाखाना में जितने आप लोगों की चीजें निकली हैं वो तो वही बात है कि वो घड़ी तो कहीं दूर रह गई जिसकी पेमेंट की हुई है इमरान खान ने। आप उनसे पूछिए कि जो आपके लोग हैं या जो आपके साथी हैं जो पीडीएम है कि उसने जो है तोशाखाना से जो सब कुछ लिया तो उसकी जो है क्या उन्होंने पेमेंट की या नहीं की। तो बात यह है कि जब इस तरह के सवालात आते हैं ना तो उन पे अपना माजी जो है उसमें जरूर झांकना चाहिए। इमरान खान साहब ते कड़ी पई है ना तड़ते ते कलाक पै गया जे तोशा खाना दा। वैसे भाई मेरी बहन छोटी जो है मेरे लिए वाजिब-ए-एहतराम है, ये समझती है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मौला जट होना चाहिए।
अच्छा हाँ जी, वो साथ छोटे छोटे हूँ अच्छा। और वो अदालत में जनाब जाए बस इस तरीके से जाए। चले एक सेकंड रुको ना, ये तो आपने माना कि इमरान खान साहब मौला जट हैं, तो इस तरह फिर आप लोग नूरीनाथ हुए? नहीं देखें, मैं आपको बड़े धड़ल्ले से जाते हैं जी, बड़े धड़ल्ले से छोटे साथ होते हैं जी, और बड़े धड़ल्ले से गाड़ियों को जला दिया जाता है। जब पहले दिन जमान पार्क में पुलिस गई तो आपको पता है उनके हाथों में कोई ऐसी चीज थी ना, असला था ना सोटे थे, वो बेचारे नहाते गए। तो देखिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है, हमें जो देखना है ये मुल्क है तो हम हैं। मेरी ये गुजारिश है इस प्रोग्राम के वसादत से कि इस मुल्क का सोचें, यहाँ एक अमन से रहें और जो मुल्की इदारे हैं उनके साथ चलें और अपने सिस्टम को इस अंदाज से चलें कि हमारा ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो। हम ये चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की आवाम को करना चाहिए। आई एग्री विद हिम। 2018 में वासी साहब जो मेरे साथ हुआ, क्या हुआ? ये मेरी छोटी बहन को तो पता नहीं, इन्होंने मोटरसाइकिल दी हुआ लड़ गया साहब, तो मोटरसाइकिल दी रह जा तू। हां क्या हुआ आपके साथ 2018? अच्छा देखें 2018 में मुझे पोलिंग स्टेशन से उठा के बाहर फेंक के मैं 7-8 महीने असेंबली में रहा, 3 साल 8 महीने मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और फिर मैं दोबारा मैंने बहाल हुआ। ठीक है, मेरे पे दहशतगर्दी के मुकदमा, तो मैं आपको दहशतगर्द नजर आ रहा हूँ? नहीं, मेरी बात सुन लो ना, तुसी सियासतदान आज तुसी टर्मिनेटर लग रहे हैं। जैसे भी इसका दिल है कह ले, मैं कह रहा हूँ कि देखें जब आप दूसरों पे दहशतगर्दी के मुकदमा बनाते हैं, आप दूसरों को जेल में, कोई कोई बंदा ऐसा है जो नून लीग का अंदर नहीं रह के आया तो आप उस वक्त तो तालियां बजाते थे, तो अब आपको जब आप खुद किसी कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं, एक किस्म की मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, तो आपके पे जो मुकदमा होता है तो आप कहते हैं जी 140 हो गए, नहीं जी 120 हो गए, तो ना शरारतें इतना किया करें, क्यों करते हैं आप शरारतें? आप जब दिन में 10 शरारतें करेंगे तो 10 ही मुकदमे होंगे, आप 10 दफा इंतशार फैलाएंगे तो 10 ही मुकदमे होंगे, उसमें 5 क्यों होंगे भाई? एक बात बताएं, आपकी ठीक है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इतने लोग इनके साथ क्यों लगे हुए हैं? इनके साथ लगे हुए ये पीटीआई वालों के साथ बिरयानी लगा हुआ है इनके साथ नहीं है। आप मुझे ये बता, अभी इलेक्शन होने दे, बताएं कितने बंदे हो? ये इनका तमाशा है जी, ये आप म्यूजिकल प्रोग्राम खत्म कर दे, कोई इनके जलसे में आया तो मुझे पकड़ लेना। अच्छा हाँ जी, ये सारे एक म्यूजिकल शो है। देखें मैं, हम कहते हैं ये म्यूजिकल प्रोग्राम भी करें, डांस भी करें, सारे काम करें, लेकिन मेहरबानी करें मुल्क को चलने दें। मेरे ख्याल से लुबे लबाब ये निकलते हैं इनकी बात का कि आपने जो जलसे वगैरह करने हैं आप करें, बस अब ये ना कहें कि इलेक्शन कराना। देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन और गवर्नमेंट की रजामंदी से बना जी, और ये उसने इलेक्शन करवाना है ना, हमने तो नहीं करवाना। और ये बच्चों की तरह रोजाना खिलौना आए तोड़ दें, खिलौना लाए तोड़ दें। देखिए असेंबली चल रही थी, हमें क्या गारंटी है ये कल आप इलेक्शन कराएं, 15 दिन बाद खान साहब का फिर मूड खराब हो जाएगा, असेंबली फिर तोड़ दो, तो फिर हम यही करवाते रहे। और अगर ना करवाए तो फुल ना करवाए तो आप मुझे फिर दोबारा बुला लेना इधर, तो फिर आप क्या करेंगे? आप नौकरी से बुला लेना। कहने को तो वो मेरा कहां मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया, बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहदान कर गया, महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय आ वेलकम बैक जुल्फकार साहब, लंदन चक्कर लगा आपका? नहीं नहीं सर, वो जाके कुछ चक्कर तो लगाए, मियां साहब को मिले तो सही। चल मियां साहब आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तुसी उन खर्चा ना बचाओ ना, टिकट तो चले जाओ, की हो गया? लेकिन आज तैयार जब आज फुल तैयार हुए आज ही निकल जाऊं। हां वैसे आज जो तैयारी लग रही है आपको यहां से? नहीं यार कल जावां दे यार, एक मिनट। डॉक्टर साहब ये देखिए आज ये अब जब सूट पहन लिया तो अब इसके बाद आपका बनता सीधा यहां से एयरपोर्ट जाना ही है। नहीं नहीं तो आप सोच रहे हैं कि जैसे मैं तो पहले भी डॉक्टर हूं सूट पहनता रहता। आज तुसी पुरानियां फिल्मों के विलन लग रहे जे, यकीन करो। मेहरबानी मैं पुराना बंदा जुआना। नहीं नहीं जेड़े सेठ बंदे नहीं होंदे फुल एंड बड़ा क्या बात है। भगवान डॉक्टर साहब एक नोटिस, आपकी हाइट कितनी माशाल्लाह? 6'1" हाथ भी बड़े माशाल्लाह, यू गॉट नहीं तो हाथ उतने ही होने हैं कि और मेरे इन्हें नहीं होने।
एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन किस चीज की है? MBBS डॉक्टर। MBBS तो सर ये इसके अंदर तो सीजर विजर बड़े आसानी से आ जाते होंगे। हाँ हाँ बड़े आसानी से अपेंडिक्स भी जल्दी। अरे देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाथ इतने बड़े जो है बड़े आसानी से। वासे भाई एक बार चोल वंडी दे सी इन्होंने इंज हाथ किया पूरी देह हाथ चा गई भाई। मगर तो पता नहीं मैंने वजह से पूछा था कि वो इनको सीजर्स और इस तरह की बाकी इक्विपमेंट पकड़ने में बड़ी आसानी होती होगी एज कम्पेयर टू। नहीं नहीं बड़े आज सर्जिकल हैंड होते हैं। मैडम अगर आपको कोई मेडिकल मसला हो तो डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं मुफ्त में आज तो काम हो सकता है। हां वैसे वासे भाई सही कह रहे हैं आप। मैं जरूर डॉक्टर साहब से इस चीज पे मशवरा भी लूंगी क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी ना आवाम के बारे में ये सारा जो किया तो उनमें से एक मैं भी हूँ शिकार हुई थी उन रबर बुलेट्स का और वो सारा कि जो डायरेक्टली जो है हम पे फायर किए गए थे। और सच्ची बात ये है कि जिस तरह से भाई कह रहे थे ना जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान ने इन इस एक दो महीनों के अंदर देखी है ना शायद वो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में हमें कहीं नज़र नहीं आती। शायद उस वक्त भी नजर नहीं आती कि जब पाकिस्तान को हासिल किया गया था। इमरान खान का बार बार ये कहते हैं ना कि इमरान खान सबको बुलाते हैं, इमरान खान किसी को नहीं बुलाते। और जो इन्होंने यहाँ पे बात कही ना कि वहाँ पे डांस होता है वहाँ पे वो, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कभी जाके देखिएगा कि वहाँ पे हम से शुरू होता है और वहाँ पे अपने कौमी तराने चलते हैं, अपने नेशनल सॉन्ग्स पाकिस्तान के चलते हैं। बात यह है कि ये मेंटालिटी की बात होती है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। आप अगर लोगों के जो है वो जो उनकी मुल्क से मोहब्बत है, जो उनकी उनके लीडर से मोहब्बत है, जो अवाम से मोहब्बत है, अगर उसको आप इस तरीके से देख रहे हैं कि वहाँ पे डांस हो रहा है, वहाँ पे जो है कोई गाने जो हैं उन पे जो है कोई हो रहा है, तो अफसोस की बात है। ये बात यह कि एक तो वासिफ भाई वो यहाँ पे भी तो एक हुआ था ना हमजा शहबाज शरीफ साहब का जलसा, वो जिसमें एक हमारे बड़े अच्छे वो टैलेंटेड हमारे थे उनका, और आप देखें कि उनका किस कदर मजाक बनाया गया। ठीक है, मतलब आप लोग खुद कोई चीज करें तो वो ठीक है, दूसरे करें तो गलत। देखें जब मुल्क की बात है ना और जब मुल्क की बका और सालमियत और उसके वकार की बात है तो जितना वकार और सालमियत मुल्क की और इसकी बका के लिए इमरान खान ने जंग लड़ी है और जो इमरान खान के लोगों ने जंग लड़ी है वो जंग आप सारी जिंदगी नहीं लड़ सकते। आप जो मर्जी है करें क्योंकि आप लोग बिरयानियों पे आने वाले लोग हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर वो वर्कर है और पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है कि जो वहां पर अपने मुल्क के लिए आती है। कोई आप अपने बच्चों को लाके खड़ा करें ना वहां पे कि आए और आके शेलिंग खाएं, वहां पे आके रबर बुलेट्स का मुकाबला करें। मैं देखूं आपके बच्चे आएंगे वहां पे, हमारी फैमिलीज आती हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी पूरी टीम, खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद होती हैं। ठीक है, थीके? सब शेलिंग खा रहे होते हैं वो वर्कर्स। क्या मतलब मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इस चीज को कि वो तहरीके पाकिस्तान में जिस वक्त औरतों ने जो है कुर्बानियां दी, मोहतरमा फातिमा जिना ने जिस तरह से वहां पे किरदार अदा किया, आप लोगों ने तो उस वक्त उनको नहीं बख्शा था। ठीक है, मोहतरमा फातिमा जिना को आपने नहीं बख्शा, आपने मुजीबुर रहमान जो उस टाइम मेजोरिटी में थे आपने उनको भी जो है उस वक्त वो करके उनके साथ दगा करके आपने उनको जो है साइडलाइन कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग कौन सी बात कर रहे हैं कि मुल्क से मोहब्बत और मुल्क से वफा, और फिर ये कि जी ये लोग वो लोग हैं जो डांस करने जाते हैं वहां पे, जो वहां पे गाने गाने जाते हैं, जो सिर्फ म्यूजिक सुनने जाते हैं। एक्सक्यूज मी, इमरान खान वो शख्स है, वो लीडर है कि जिसकी बात अगले जो हैं वो दो से तीन घंटे बैठ कर सुनते हैं, खड़े होकर सुनते हैं। आप अपने लीडर को लाके खड़ा करें ना, नवाज शरीफ साहब को तो पर्चियों से ही फुर्सत नहीं मिलती तो वो कहाँ से जो है आवाम के दिल में जो है बातों को अपनी उतारेंगे। इमरान खान ने तो इस कौम को खुददारी सिखाई है, शऊर दिया है इस कौम को कि तुम लोग क्या हो, तुम लोगों की असल हकीकत क्या है और किस तरह तुम लोग अपने हुकूक को हासिल कर सकते हो। आपके मियां शहबाज शरीफ हैं वो तो सिवाय माइक्स को हिलाने के उनका और कोई काम नहीं होता। देखें जैसे चर्ब जुबानी से झूठ बोलकर लोगों को झूठे वादे करके 1 करोड़ नौकरियां, इतने घर, मदीना की रियासत, आपके कॉल फेल में कोई ऐसी चीज है आप मुझे कोई बता दें। मैंने उस दिन भी ये कहा था एक मुझे काम बता दें जिस पे इन्होंने आज तक इमरान खान ने यू टर्न नहीं लिया, एक काम बता दें मुझे, एक काम सिर्फ बता दें। देखें मेरी बात, सिवाय इसके कि आपने कौम को इंतशार में डाला, सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं कि जी हमने जंग शुरू की है, आपने कौन सी जंग शुरू की है? आपने हर गली में हर घर में इंतशार फैलाया, बाप को बेटे से लड़वाया, बेटे को बाप से लड़वाया, पहले भी सियासत होती थी,
एक मुअज़्ज़ब तरीके से सियासत होती थी, लोगों के ख्यालात थे। ये आज तक कैसा माहौल कभी किसी ने देखा है? ये तो इन्होंने पाकिस्तान का बिल्कुल 76 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, और वो रिकॉर्ड किस में? इंतशार में तोड़ा है, बदअमनी में तोड़ा है, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में तोड़ा है, इस मुल्क की मईशत को तबाह करने में तोड़ा है। इनके जितने भी आप कारनामे गिनाए बिल्कुल ठीक हैं। ये यूथ को बेचारी को इन्होंने पीछे लगाया जी कि आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, मुझे बताओ, यूथ को इन्होंने बेरोज़गार किया। IMF के साथ इन्होंने वो मुआहदे किए, मुआहदा करके फिर मुकर गए, आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट करके मुकर गए। आप मुझे ये बताएं, आप किसी बैंक से पैसे लेते हैं, उसके साथ आपका एग्रीमेंट है कि ये मैं इतने पैसे वापस करूंगा, इस शरह पे लूंगा, उसके बाद आप उसको कहें कौन जाता है जी मैं IMF? ये कोई पहलवानों वाला अखाड़ा है कि जी आप गंडासा लेके आप अपने यहाँ पे खड़े हो जाएं, कौन है जी IMF, हम आपको पैसे नहीं देंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? देखें ना, वादा स्टेट टू स्टेट होता है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, आप में प्राइम मिनिस्टर वाली को बात भी होनी चाहिए। देखें, मैं आपको समझता हूँ कि जो आपने कर लिया इस मुल्क के साथ, खुदा का वास्ता है, अब इस कौम को सीधा होने दे, अब इस मुल्क के मसले हल होने दे। आप सुबह शाम दोपहर आप इधर आके आपने यहाँ पे आपने तहखाने बना लिए, आपने बोरियां लगा ली, आपने अपने मुल्क में स्टेट में स्टेट बनाने की कोशिश की, आपने बख्तरबंद गाड़ियां बना ली, आपने एक पूरी रियासत को चैलेंज किया है। और इस रियासत को चैलेंज करने में आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क का फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है इस मुल्क का। आप प्लीज़ जो है जज्बात से ना खेलें लोगों के, और नौजवान तबके को और मासूम औरतों को ना वरगलाएं, और मेहरबानी करें कि भाई नहीं, मैं किसी को नहीं कहता, आप प्लीज़ अपनी इस पॉलिसी को चेंज करें। और मैं आपसे खुदारा 10 बजता इस प्रोग्राम की वसात से मैं आपके मिन्नत करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं इस मुल्क पे रहम करें। मैं सर जमान बार में मैंने खुद जाके देखा है, जुल्म है सर। बाजी जितने वर्कर है ना वहां पर 2 टाइम रोटी खांदे ने, 1 टाइम शैल खांदे ने। इमरान खान साहब दे जलसे दियां, मैं कहा सर लोकी गल्लां कर रहे ने भी बड़ी पब्लिक आई है, कहंदे ने इमरान खान साहब दी वजह तो थोड़ी आई है। अच्छा, वो तो मैं उत्थे नहीं आया तां आई है। मैं क्या सर आओ पाकिस्तान दे विच मर्दम शुमारी हो रही है। मैंने कहा ने मर्दम शुमारी ना मेरा किता लगे। मैं क्या सॉरी सर, मैं कहना चाहता सर भी इलेक्शन दी तैयारी हो रही है। कहंदे ने इमरान खान दे जलसे दे विच यंग बंदे आंदे ने ना। मैं क्या सर आंदे ने, कहंदे ने ओदी वजह तो आंदे ने, ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਮੇਰਾ ਜਲਸਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ, ਓਕੇ, ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਮਚ ਮਾਰੀ ਨੇ ਬਈ, ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੋਜ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਓਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ।
ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਮੈਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਐਮ ਐਨ ਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਪੋਸਟਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਹੇ ਸਰ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟਾ ਕੋਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਇਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ 9 ਵਜੇ ਜਲਸਾ ਲੋਕੀ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ 6 ਵਜੇ ਜਲਸਾ ਸੁਣਨਾ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾਬੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਹਾਰਨਗੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਜਨ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਰੋਹ ਨੀ ਨਾਨ ਜਿੱਡਾ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਆਵਾਮ ਕਾ ਸਵਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਉਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਉਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਮ ਜੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਇਨਕੀ ਡੈਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਥੀ ਮੈਮ ਸ਼ਹਿਲਾ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਂ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਉਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਥੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਇਨਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੋ ਉਨਕਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਥੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਿਨਾ ਬਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਿਮਿਲੀਏਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨਕੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਥੀ ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੋ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਕੀ ਥੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਬ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੀ ਕਿ ਆਗੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਭੀ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਕ ਮੇਂ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਔਰ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਔਰ ਇਨਕੀ ਬਾਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ ਵੋ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਿਤਮ ਔਰ ਬਰਬਰੀਅਤ ਵਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਬ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਪਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਉਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੋਂ ਪਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਰਬਰ ਬੁਲੇਟਸ ਫਾਇਰ ਕੀਏ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਆ ਵਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੇ ਜਬ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋਤੇ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਤਬ ਆਪ ਇਹ ਬਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕੋ
सो वहां पर आपको वो क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, जिस तरह से हम करते हैं अभी, जैसे मेरे भाई ने यहाँ बैठे बैठे हमें डांस पार्टी बना दिया, हमें जो है कोई और इन्होंने नाम दे दिए, ठीक है, तो वो हमने बर्दाश्त किया, वो इसलिए किया क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं और इनका हक बनता है, इनका राइट बनता है कि जिस तरीके से भी चाहे क्रिटिसाइज करें। बट यस, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, खवातीन को जो है वो उनके हुकूक दिलवाने के लिए, हम तमाम खवातीन जो हैं वो हम असेंबली में भी एक प्लेटफॉर्म पे होती हैं, हमारे कॉकसेस बने हुए हैं जिनके तहत जो है हम वहाँ पर खवातीन के लिए जो है आवाज मिलकर उठाते हैं। जी क्वेश्चन ले लीजिए। जी मेरा नाम हारून खालिद है, मेरा सवाल है भट्टी साहब से। भट्टी साहब, मेरे सिर्फ तीन सवाल हैं आपसे, आप मुझे तीनों सवाल मैं एक साथ ही कर देता हूँ। कि पहला सवाल ये कि कानून का एहतराम, इमरान खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं अदालतों में और उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी होते हैं, जमान पार्क के अंदर शेलिंग की जाती है पुलिस की तरफ से, और दूसरी तरफ राणा सनाउल्ला साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी होता है तो पुलिस कहती है जी वो हमें मिल नहीं रहे, जबकि वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जमानत देते हैं जी और नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते, क्यों, क्या वो अदालत का एहतराम नहीं? तीसरा सवाल ये कि आप डॉक्टर हैं, एक बंदे के टांग पे प्लास्टर है, उसे बुलेट लगी है, बुलेट उसकी बोन को टच है, उसको कितनी देर में जख्म सही होना चाहिए? एक प्लेटलेट्स की बीमारी जो है एक डेंगू की फीवर की वजह से होती है, नॉर्मल पैनाडोल के खाने से इलाज हो जाता है उसका, और लंदन जैसे जदीद मुल्क के अंदर अभी तक इलाज नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब का क्यों? जी डॉक्टर साहब, तीन सवाल आपकी तरफ। मेरे ख्याल में जो इनके सवालात हैं वो जो हैं बिल्कुल टिपिकल जो है वो पॉलिटिकल, और इनकी एंग्जायटी है और इसमें कोई एंग्जायटी है। जी, सर आपकी बीमारी की तशखीस हो गई है, एंग्जायटी है आपको, और सर इन्होंने टांग की बात की, टांग की बात। देखें मेरी बात सुनो, वहां पे कोई किसी किस्म का फ्रैक्चर नहीं था, उसमें सिर्फ पेल्ट थी, और मैं एज ए डॉक्टर कहता हूँ कि वो जो है वो नॉट मोर देन 2 वीक्स वाला केस है। नवाज शरीफ साहब इनकी हुकूमत में ही गए, इन्होंने खुद ही इनकी हुकूमत में गए और इनकी इजाजत से गए। और दूसरी बात ये है कि देखें प्लेटलेट्स माशाल्लाह अब उनके ठीक हैं, तो जब वो डॉक्टर इजाजत देंगे वो आ जाएंगे, इसमें कौन सा इशू है? और तीसरा सवाल इनका, एक साइड पे 134 में पढ़ रहा था कि जी वायलेशन हुई हैं या कोई निकले हैं वारंट शारंट निकले हैं, तो एक वारंट को आप इनको बड़ा याद है ना, तो वजीरे दाखला ने कोई दहशतगर्दी की है, तो वो उसमें वो इंशाल्लाह उसको टैकल करेंगे, तो उनको पता भी नहीं शायद होगा कि मेरे वारंट निकल आए हैं। अच्छा सर, वो कैसे पीएस साहब कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स उनके सही हैं तो 4 प्लेटें जर्दे की खाते हैं। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है जी। 2020 का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, इनमें से किसकी तकरीर टीवी पे आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगे, किसकी तकरीर टीवी पे आ रही हो तो आप एक बार सुन लेंगे, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप अपना टीवी म्यूट कर देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब और इसहाक डार साहब। तो किसकी तकरीर आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगे? एहसन इकबाल साहब की। किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुन लेंगे आप? ख्वाजा आसिफ साहब। और किसकी आ रही हो तो आप म्यूट ही कर देंगे टीवी? एक ही हमारे दोस्त इसहाक डार साहब। हाँ जी, इसहाक डार साहब की म्यूट कर देंगे। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप जमीन पे वापस आ जाएंगे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास है राणा सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। राणा सनाउल्लाह साहब को साथ ले आऊंगा। साथ ले आबिद शेर अली को चांद पे छोड़ दिया। जी जी। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महवेश हयात और हिना परवेज भट्ट। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसहाक डार साहब और हमजा शहबाज साहब। हमजा शहबाज साहब। ओए होए, बात क्लियर हो गई है बस। जी सुमाविया जी, आपकी बारी है। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वासे कयूम अब्बासी और मुराद रास। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जो है वो मुराद भाई। ठीक है, स्माइल किन को दे रही हैं? वासेक। और फ्लोर आ चुका है फयाजुल हसन चौहान साहब का। ये बताइए मैडम, किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगी, किसकी तकरीर आ रही है तो एक बार सुनेंगी, किसकी तकरीर आ रही हो तो आप अपना टीवी म्यूट कर देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी।
तो किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे? अगर बार बार तकरीर सुननी हो तो मौलाना फजलुर रहमान काफी फनी तकरीर करते हैं। ठीक है जी, मौलाना साहब हो गए, किसकी एक बार सुनेंगे? आसिफ जरदारी। और म्यूट कर रही हैं आप मोहतरमा मरीम नवाज की तकरीर को। ठीक है, मॉर्निंग अलार्म के तौर पर एक आवाज आपके फोन या आपकी अलार्म क्लॉक में फीड कर दी जाएगी। रोज सुबह अब आपकी मॉर्निंग अलार्म की जो आवाज है वो आवाज होगी। किसकी आवाज सुनना चाहेंगी आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है अल्ताफ हुसैन साहब और राणा सनाउल्लाह। अल्ताफ हुसैन इज बेटर। अल्ताफ हुसैन इज बेटर राइट नाउ। मैडम टाइटैनिक पे जारी है, दो वीआईपी पास है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इसहाक डार साहब और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब होंगे वो। उन्होंने तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने इतनी रहे डूबती कश्ती में सवार हैं। दो लाइफ जैकेट आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान साहब और डॉक्टर जुल्फकार भट्टी। डॉक्टर साहब देखे जरा, फिर सारे प्रोग्राम के बाद भी आखिर में उन्होंने चूज तो आपके। हमारी को लड़ाई है ये तो पॉलिटिकल नहीं नहीं लड़ाई की बात नहीं है। आई थिंक के कम से कम वो लॉयल होंगे अपनी पार्टी के साथ जरूर। दैट्स व्हाई आई विल सपोर्ट हिम। ओए भट्टी साहब देखिए जरा। नहीं नहीं थैंक यू जी, छोटी बहन है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। मैडम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।